मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का पूर्वांचल तक न्यूज में। आज हम पहुंचे हैं जिला संत कबीर नगर के नगर पंचायत हैसर बाजार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैसर बाजार में और इसके पास हम पहुंचे हैं और हमारे साथ क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं मलौली के। इनसे बात करते हैं कि स्वास्थ्य के खिलाफ कितने, आज इनका कहना है 509 अप्लीकेशन दिए गया है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। क्या नाम आपका? संतोष कुमार दुबे, क्षेत्र पंचायत सदस्य मलौली। क्या मामला है? मामला यह है कि हमारे द्वारा जितना एप्लीकेशन आया था स्वास्थ्य विभाग में दिया गया है, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जा रहा है। और नहीं, जब उनके द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है तो आज सेंटर को सीज किया गया, कल सेंटर खोल दिया जाता है। उनके द्वारा कहा जाता है कि जिस डॉक्टर के नाम से रजिस्ट्रेशन है अल्ट्रासाउंड का हॉस्पिटल का, वो डॉक्टर एक भी दिन नहीं पाए जाते उस सेंटर पर। उनके द्वारा 12 तारीख को चेक किया गया, 29 तारीख को चेक किया, तीसरी बार चेक किया गया, उसमें 5 सेंटर सीज किए गए। कुछ हॉस्पिटल हैं, कुछ अल्ट्रासाउंड सेंटर हैं, लेकिन आर्या हॉस्पिटल उमरिया बाजार में सीज करने के बाद 2 दिन के अंदर वो हॉस्पिटल खुल जाता है। सीएमओ महोदय द्वारा यह कहा जा रहा है कि उस हॉस्पिटल में कुछ काम कराना है, इसलिए उनको चाबी दे दिया गया। आप बतावें, जो सेंटर अभी चल रहा था वो सेंटर को खोल कैसे दिया गया? क्या काम कराना उसमें है? बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा था, कार्रवाई नहीं उस पर की जा रही, मुकदमा नहीं किया गया संचालक खिलाफ। और नहीं तो उनके संरक्षण में सेंटर को पुनः चाबी देकर खोल दिया गया है। आप जाकर देखें किस तरह उस पर सेंटर पर फूल लगाए गए हैं, फूलों की वर्षा हुई है और उसके बाद उसे मरीज भर्ती किए गए, इसकी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। अब तक आप कितने एप्लीकेशन दे चुके? 509 एप्लीकेशन दिया हूँ, 500 स्वास्थ्य विभाग में, ऊपर से लेकर नीचे मुख्यमंत्री से लेके और समुदाय स्वास्थ्य के मलौली तक 509 एप्लीकेशन पड़ा गया है, जिसमें हमारे द्वारा भी अगर ज़्यादा दबाव पड़ता है एप्लीकेशन का तो उनके द्वारा खाली जब चेक करने चलते हैं सेंटर को, खैलाबाद से चलने पहले फ़ोन कर देते हैं, सारे सेंटर बंद हो जाते हैं। जब समुदाय स्वास्थ्य केंद्र मलौली है यहाँ पर चल रहा है वैध रूप से, इसके बाद जो आते हैं तुरंत खटरा बंद हो जाता है, फिर खुल जाता है। आप बताइए कि समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के जो अधीक्षक मलौली के हैं उनके द्वारा ये होना चाहिए, कौन सेंटर उनके अधीन चल रहा है उनको आकर समय से चेक करना चाहिए। उनके द्वारा कोई चेक नहीं किया जा रहा है, खाली उनके द्वारा समय को काना बर्बाद किया जा रहा है। संत कबीर नगर जिले में आखिर 905 एप्लीकेशन देने के बाद भी नहीं थम रही है अवैध अस्पतालें और अल्ट्रासाउंड सेंटर। संत कबीर नगर जिले के ताज़ा तरीन खबरें पाने के लिए, न्यू अपडेट पाने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।